हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है दल बदल विरोधी कानून। इस टॉपिक से रिलेटेड आज मैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवाऊंगी और सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में समझाऊंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे SSC, UPSC, RRB, NDA, IAS, बैंकिंग, हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम साथ ही साथ में 52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची के बारे में भी समझेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। थोड़ा सा पहले डिटेल में समझते हैं, उसके बाद आराम से हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए दल बदल विरोधी कानून। दल बदल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई दल है। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक दल मैं पढ़ा चुकी हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, कम्युनिस्ट दल, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये जो पार्टीज हैं, ठीक है, ये होते हैं दल। ये क्या करते थे पहले, 1970 की बात है, ठीक है, ये क्या करते थे, चुनाव जीत कर आते थे यहाँ के मेंबर्स और दल बदल कर लेते थे। मान लीजिए कि कांग्रेस का मेंबर चला जाता था BJP में, या फिर तृणमूल पार्टी का मेंबर चला जाता था भारतीय कम्युनिस्ट दल में। ठीक है, इस तरह से ये लोग करते थे, है ना, चुनाव जीत कर आते थे और दूसरी पार्टी में मिल जाते थे, और दूसरी पार्टी में अगर मिल जाएंगे तो उस पार्टी को बहुमत मिल जाएगा, और बहुमत अगर किसी पार्टी को मिल गया तो उसी पार्टी के नेता को ये क्या बना लेते हैं, प्रधानमंत्री बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो इसलिए इस पर क्या करने पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। ठीक है, ये चीज़ संसद में भी होती थी, विधानमंडल में भी होती थी। ठीक है, जो क्षेत्रीय वाले जो होते थे ना, क्षेत्रीय दल के मेंबर्स, वो भी यही करते थे, है ना, विधानसभा का। और जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है ना, एक्चुअली में यही क्या होते हैं, लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बन जाता है, विधानसभा का बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बन जाता है। ठीक है, तो बहुमत दल का नेता कौन बनेगा, जब उस मेंबर में, उस दलों में बहुत सारे मेंबर्स हों। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता था, ये लोग इसका फायदा उठाते थे। ठीक है, जो अमीर होता था ना, अमीर वाले पार्टी के लोग क्या करते थे, दूसरी पार्टी के मेंबर्स को खरीद लेते और इस तरह से अपनी सरकार बना लेते थे आराम से, या फिर दूसरे की जो बनी बनाई सरकार है उसको आराम से गिरा देते थे, क्योंकि वहां के मेंबर्स को अच्छे खासे पैसे में खरीद लेते थे। ठीक है, तो 1970 की बात है, एक स्लोगन चलता था, राम आया राम गया। ठीक है, तो इस स्लोगन के आधार पर ही क्या होता था, ये मेंबर आपस में ना दल बदल कर लिया करते थे। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी का, है ना, एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल है, BJP का चला जाता था कांग्रेस में, कांग्रेस का चला जाता था BJP में। ठीक है, दल बदल होने लगा था बहुत ज़्यादा। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। काफ़ी समय बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1985 में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1985 में। डेट अगर और अच्छी तरह से आप लोगों से पूछे तो 15 फरवरी 1985 की बात है, ये पारित हो चुका था अधिनियम। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के एक तिहाई सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर ये अयोग्यता लागू नहीं होगी, और दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, देखिए 10वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है, पहले नहीं थी ये। ठीक है, बाद में जोड़ी गई है 10वीं अनुसूची, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा आ रही थी सामने, दल बदल, है ना, तो 10वीं अनुसूची में इसको बाद में जोड़ा गया। ट्रिक से याद करवाया था मैंने, आप कैसे याद करोगे 10वीं अनुसूची से दल बदल। ठीक है, तो दल बदल बोलने में कैसा आ रहा, दल से 10 हो रहा है, ठीक है, दल बदल 10 जैसा कुछ आ रहा है ना। तो 10वीं अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है, दल किसके बारे में, ये किससे संबंधित है 10वीं अनुसूची, दल बदल से। ठीक है, इसे याद करना आसान है क्योंकि दल से दल हो गया और 10 से 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ट्रिक से याद करवा चुकी हूँ वैसे मैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, समझ गए आप लोग, दल बदल विरोधी कानून ये है। ठीक है, और डिटेल में समझिए क्या होता है, संसद का कोई जो मेंबर है, ठीक है, मान लीजिए लोकसभा की सीटें हैं, ये जैसे 552 सीटें हैं, ठीक है, इसमें से मान लीजिए, ठीक है, 300 मेंबर हैं जो BJP में अभी हैं, ठीक है, एज एग्जांपल, तो यहाँ के अगर एक तिहाई सदस्य जो चाहते हैं इस ग्रुप को छोड़ना तो वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, खुद की मर्जी से छोड़ सकते हैं। ऐसे में उनके ऊपर ये जो कानून है ना, दल बदल विरोधी कानून, ये नहीं लगेगा। दल बदल विरोधी कानून उन व्यक्तियों पर लगता है जो, मान लीजिए, BJP का व्यक्ति है और अभी जो BJP का कार्यकाल है
पाँच साल का ये पूरा नहीं हुआ, उससे पहले अगर वो अपने ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं तो अगर ये छोड़ेगा तो ऐसे में उसके ऊपर ये कार्रवाई चलेगी जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, कार्रवाई चलेगी और इसके तहत फिर ये चुनाव जीतने करने में इसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे में जो ये सांसद बना हुआ है ये पद भी इसका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ऐसी गलती करता है तो। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगी विधानमंडल में अगर कोई ऐसा करता है तो, ठीक है। मतलब कि जो जिस दल से आप जीत कर आए हैं, जिस चुनाव चिन्ह से आप जीत कर आए हैं उस पर आप बने रहें, ठीक है। अगर आप इस पद को अगर आप छोड़ना चाहते हैं या फिर आप दूसरे ग्रुप में जाकर जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप पर ये कानून लागू हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून, और आपको इस पद से सांसद बने हैं आप या फिर आप विधायक बने हैं तो इस पद से आपको हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, अगर कोई मेंबर है, ठीक है, मान लीजिए बीजेपी का ही कोई मेंबर है, मैं बीजेपी का ही एग्जांपल ले रही हूँ बार बार, यहाँ मान लीजिए इसका कोई मेंबर है, एक मेंबर, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बीजेपी की बार बार बुराई कर रहा है, तो बीजेपी के सारे मेंबर्स मिल गए इसको इसके ग्रुप से हटा देंगे। अगर ग्रुप से इसको हटा दिया जाता है तो ऐसे में इस पर किसी तरह का कोई दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, ठीक है। ऐसे में इस पर किसी तरह का कोई दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेगा, लेकिन ये खुद से इस पोजिशन को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आराम से आप लोगों का। 52 वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, उसका क्या मतलब था, ठीक है, और ये भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, कौन सा है। 52 वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, डेट अगर ध्यान रखें तो 15 फरवरी 1985, ठीक है, 15 फरवरी 1985 डेट है, ठीक है, यह आया था 52 वां संविधान संशोधन। इसके तहत दल बदल विरोधी कानून लाया गया, कोई मेंबर जो अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाना चाहता है तो उस पर ये कानून लागू हो जाएगा और उसको कुछ ना कुछ पनिश किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इसको रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे में क्या होती है, सरकार जो बनी बनाई है वो गिर जाएगी, या फिर जो ये चाहते हैं कि हम सरकार बना लें तो ये पैसे से किसी भी विधायक या सांसद को खरीद कर अपनी सरकार बना सकते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है, ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, वो 52 वां संविधान संशोधन है। वही पूछा आपसे कि संसद में पक्ष परिवर्तन मतलब कि अपने पक्ष में परिवर्तन, अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में जाना। और हाँ, इसमें ये बात भी है, मान लीजिए बीजेपी ग्रुप का वो मेंबर है, ठीक है, तो ऐसे में जब वोट डलता है ना किसी बिल को पास करवाने के लिए, उसमें मत डलते हैं, ये चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझा चुकी हूँ पहले, ठीक है। देखिए, अगर कोई मेंबर है संसद में, है ना, और बिल पास करवाना है भैया, बीजेपी ग्रुप के वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स बैठे हैं, तो ऐसे में ना उनको उसके पक्ष में ही वहाँ पर मत देना होता है, ठीक है, वो विरोध में नहीं दे सकते उसके। अगर विरोध में भी देते हैं ना तो ऐसे में भी दल बदल विरोधी कानून उस पर लग जाता है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। जब कोई बिल पास करवाना होता है तो इनको उनके ही पक्ष में मत देना होता है, है ना, अगर नहीं देना चाहते तो एब्सेंट हो सकते हैं ऐसे में, लेकिन कोई लीगल वजह देने के बाद, ठीक है, ऐसे बेवजह की बात देकर वो एब्सेंट नहीं हो सकते उसमें। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, समझा चुकी हूँ अच्छी तरह से, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बताया था मैंने, कोई बिल को पास करवाना होता है ना तो संसद में या फिर विधानमंडल में ना मत डलते हैं, वोट्स डलते हैं, ठीक है, उसके बाद ही कोई बिल पास होता है और कानून बनता है इतना बड़ा, ठीक है, और उसमें क्या होता है, मत डालने होते हैं। और अगर मत डाल रहे हैं उसी ग्रुप के मेंबर हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो उन सबको एक ही तरह से वहाँ पर मत डालना पड़ता है, ठीक है, वो अपने ग्रुप के विरुद्ध भी नहीं जा सकते, अगर जाते हैं तो ऐसे में भी उन पर दल बदल विरोधी कानून लग जाता है, ठीक है। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, किससे संबंधित है, ये ऑप्शन बी वाला है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा जो अध्यक्ष है। देखिए इसका मेन रोल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अब देखिए, बीजेपी की टीम बैठी है, ठीक है,
वोट डालना है कोई बिल को पास करना है, ठीक है। तो यहाँ के मेंबर जब वोट देंगे, ठीक है, मत डालेंगे ना, वहाँ पर वोटिंग चलती है, मत डालेंगे। तो जब मत डालते समय अगर बीजेपी का कोई एक मेंबर भी उसमें मत अपने ही ग्रुप के अगेंस्ट में अगर देता है, सब हाँ भर रहे और एक ही जो अकेला है जो ना कह रहा है, तो ऐसे में जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना उस मेंबर को बर्खास्त कर सकता है वहाँ से, ठीक है। उसका जो ग्रुप वाला जो मतलब जिसने भी ये एक जो ऐसा मेंबर है जिसने अपनी ही टीम के खिलाफ वोट डाला है ना, तो ऐसे सदस्य के ऊपर वो दल बदल विरोध अधिनियम लगाकर सदस्य की अयोग्यता घोषित कर उसको उसके ही पद से हटा सकता है, ठीक है। उसको सांसद वाले पद से वो हटा सकता है। ये पावर किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष किसी मेंबर के ऊपर दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत ये लगा सकता है कि भैया इसने आपके ही ग्रुप के अगेंस्ट वोट डाला है, ठीक है, और ऐसा ये उसके ऊपर ब्लेम करेंगे और उसके बाद जो सदस्य है जो अपने ग्रुप के ही खिलाफ चल रहा है उसको उस ग्रुप से हटा दिया जाएगा। ग्रुप से क्या हटा दिया जाएगा? पूरा उसको सांसद से ही हटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 7वें का, ठीक है। किसको? 7वें को, ऑप्शन बी वाला है, ठीक है, ऑप्शन बी इधर है। 7वां वाला जो है ये क्या है? अब असंवैधानिक है, ये हट चुका है, ठीक है, पहले था अब नहीं है, हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? किसने प्रतिबंध लगाया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून, ठीक है। समझ गए होंगे अब आप ये लोग, अच्छी तरह से इसको समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए वाला, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो सके, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी वाला, 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन से एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान दिया हुआ है? कौन से अनुसूची है? वो 10वीं अनुसूची है, ठीक है। कौन से अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि कौन सी थी? कौन सी थी? डेट आपको मेन पूछी गई है, ठीक है। डेट क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985, ठीक है। 15 फरवरी 1985 ये मेन डेट है जिस दिन दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हो गया था, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, सारा कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।